हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने इस मेथड का तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, तो अगर आपने उसको देखा नहीं तो प्लीज़ उसको आप देख लें पहले। उससे आपको क्या है, एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करने का अप्रोच कैसा रखना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ओके, सॉल्व बाई मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स। 3 ∂u / 2 ∂y = 0। देखो, आपको आपको जीरो दे दिया है। गिवन u एट एक्स कॉमा जीरो। देखो यहाँ पे क्या किया है, y की वैल्यू को जीरो कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, व्हेन यू वाई इक्वल टू जीरो, आपको जो u मिलेगा दैट विल बी 4 e^-x। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। आपको जो गिवन दिया है उसको पहले लिख लो। 3 ∂u / 2 ∂y = 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा। लेट द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दिस रिफिल खत्म हो गया था भाई, सॉरी, दिस इक्वेशन बी। तो कब में इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये यू एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉमा सॉरी ब्रैकेट में स्मॉल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स अपना जो होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई। तो अपना ये हो गया। अब देखो अपना ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इम्प्लाइज ये अपने को क्या बन जाएगा, 3 times एक्स के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, तो एक्स डैश लिखो यहाँ पे और वाई एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 times देखो यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स को एज इट इज़ रखिए, वाई कहाँ पे डैश लगा दो, दिस इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखो आगे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको वहाँ पे ले जाओ, तो 3 x - y = -2 xy-। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को यहाँ पे लिखा, y को वहाँ पे लेके चलिए, तो 3 x - x = -2 y - y। ये आपको आगे समझ में अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे, इक्वल टू इसको हम क्या मानेंगे, k मानेंगे, ठीक है, सम कांस्टेंट k मानते हैं। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको एक बार इससे सॉल्व करेंगे, इसको एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। सॉल्विंग देखो अपना क्या होगा, यहाँ पे x - x = k/3। इसको जब मैं इसे इक्वेट करूँगा तो यहाँ पे जो 3 दिया उसको ऊपर नीचे लेके आएंगे, दैट इज x - x = k/3। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो ये तो एज इट इज़ हो गया, ठीक है। इसको देखो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, log ऑफ कैपिटल x इक्वल्स टू के x/3 प्लस log c1। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल x इक्वल्स टू c1 × e^(kx/3। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसका एक ब्रीफ आपको बताया है वीडियो नंबर वन मतलब जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हूँ। ये सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं एकदम ब्रीफ में बताया हूँ कि इसको जो है अपन इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आपको रटना कुछ भी नहीं, आपको समझना अच्छे से है। तो अगर आपने देखा नहीं तो फिर उसको एक बार आप देख लें। तो मुझे यहाँ पे x मिल चुका है, नाउ इसको इससे इक्वेट करूँगा। सॉल्विंग देखो -2 को अपन वहाँ ले आते हैं, ठीक है, तो y - y = -k/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या होगा, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बताओ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, log y हो जाएगा अपना ये, ठीक है, दिस इक्वल्स टू -k/2, यहाँ पे y आएगा, प्लस log c2 हो जाएगा। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कैपिटल y इक्वल्स टू c2 × e^-k y/2। ठीक है, तो ये जो इसको अपन लिखते कैसे हैं, यह सब आपको बता चुका हूँ वीडियो, मतलब जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हूँ। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे सॉल्व किया था मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स का, उसमें ये पूरा अच्छे से ब्रीफ में बताया हूँ। तो ठीक है, मुझे एक्स और वाई देखो यहाँ मिल चुका है कि नहीं, तो देखो अब हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, देयरफॉर यू x, y = x (y), दैट इज c1 c2। इसको उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो c1 c2 अपना हो गया e^, इसको कंबाइन कर लेते हैं, k x/3 - तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, k y/2, ये अपना आ गया। ठीक है,
अब ये जो है अपना क्या है, जनरल इक्वेशन हो गया यू का। अब देखो यहाँ पे अपने जहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशन दिया, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो पुट अप किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पुट वाई इक्वल्स टू जीरो। तो देखो अपना यू एक्स कॉमा जीरो, देखो अपना क्या बन जाएगा, ये सी वन सी टू एज इट इज आएंगे। यहाँ पर देखो क्या होगा, के एक्स बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये अपना क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। तो ये बताओ अपने क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज फोर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो राइट यार फोर इंटू ई की पावर माइनस थ्री, सॉरी माइनस एक्स है, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, फोर इंटू ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो राइट यार फोर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो जब इसको इसे कंपेयर करूँगा मैं, इसको इसे कंपेयर करेंगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। ऑन कंपेयरिंग देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सी वन सी टू इक्वल्स टू फोर मिलेगा, ठीक है। और देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो e की पावर देखो यहाँ पे क्या माइनस वन है, ठीक है। देखो x का कोफिशियंट यहाँ पे कौन है, माइनस वन है, और यहाँ पे तो क्या है, k बाई थ्री है। तो ऑल्सो k बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस वन। देखो मैं e की पावर को देखो कैसे मैं इक्वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे x दिया हुआ है। तो देखो x के साथ देखो यहाँ पे क्या दिया, k बाई थ्री दिया है आपको यहाँ पे, और देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, माइनस वन दिया हुआ है। तो दिस इज k बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू माइनस थ्री, ये मुझे मिल चुका है। अब देखो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो देयरफॉर यू एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू दिस इज फोर टाइम्स ई की पावर, देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री जब पुट करूँगा तो देखो अपना क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो दिस इज माइनस एक्स, और देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको के की जगह देखो हम जब माइनस थ्री पुट करूँगा तो देखो अपना क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री वाई बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस यही तो अपना आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ आया हो, और प्लीज़ इसको आप अगर पसंद किए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।